भाई सऊदी में आज हाथों पे बाल्टी लेके निकलना पड़ रहा है। तो देखो भाई हमारा अब्दुल कादिर भाई आ गए। तो भाई ये हमारा अब्दुल कादिर भाई बांग्लादेश का। तो हम लोग जा रहे हैं आज रोमांचक सफर में। अभी बोलूंगा नहीं, जाने के बाद बोलता हूँ आप लोगों को क्या करने वाले हम लोग। और पीछे देखो सोहेब भाई भी है। तो रास्ते में से और एक भाई है हमारा, उनको उठाएंगे और चलेंगे। इधर ले ले। हाँ इधर राइट में, पहला लेफ्ट ले लेना, पहला नहीं दूसरा। तो ये देखिए ये सऊदी अरब का एक गांव का एरिया है। घर सब देख के गांव लगेगा नहीं आपको, ये इसका गांव है यहाँ पे। मकान दिख रहे हैं यहाँ पे सब नया नया बना हुआ है। अभी जितना भी मकान है सब नया बना हुआ है, समझ दे, इतना समझ दे कि ये गांव ही नया बना हुआ है। तो हमारा दूसरा भाई देखिए वहाँ पे बैठा हुआ है सर पे हाथ डाल के। हमारा दूसरे भाई है जिसके बारे में बोल रहा था अभी, इनको भी पता नहीं कहाँ जाने वाले हम। सरप्राइज देंगे आपको भी, सरप्राइज देंगे इनको भी। अभी ये उत्तराखंड का है मोहम्मद साहब, कुछ बोल रहे। मेरे को बुला लिए झूठ बोल के, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, आज देखते हैं। और चलो ठीक है, अभी सरप्राइज देंगे आपको भी और मौजूम को भी। तो ये ठीक सामने हमारा देखिए पहाड़ है, जैसे कैसे कैसे रोड से हम लोग जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे तंबू बना हुआ है। इधर भी एक नया गांव बन रहा है। तो आप लोग को पता होगा जद्दा सिटी ऑलमोस्ट टूट चुका है। अभी जितना भी वहाँ का जो मकान था सब इस तरफ ही आ रहा है ज़्यादातर। तो जितना का बाहर का एरिया था अभी सब भरा हुआ है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आके मकान बना रहे, देखिए नया नया मकान है सब, पहले से मकान नहीं थे यहाँ पे। तो भाई हम लोग पेट्रोल पम्प पहुँच चुके हैं, अभी थोड़ा पेट्रोल भर लेते हैं। कितना दूर जाना है क्या नहीं वो मुझे भी पता नहीं अभी तक। भाई साहब को पता है कितना दूर जाना है यहाँ से, इसलिए पेट्रोल पहले भरते हैं उसके बाद चलेंगे हम लोग सफर में। 27 मिनट। तो भाई बोल रहे 27 मिनट चाहिए यहाँ से, यानी लगभग 40 किलोमीटर होगा शायद, 35-40 किलोमीटर होगा शायद। यहाँ पे पेट्रोल पंप है, ये आपको दिखेगा दिखेगा 91-95, यानी 95 अच्छा क्वालिटी का है, और 92-91 का थोड़ा लो क्वालिटी है। सेम पेट्रोल ही है लेकिन क्वालिटी में फ़र्क रहता है थोड़ा बहुत यहाँ पे। देखिए ये सब बस जा रहे हैं ना, ये हाजियों के लिए है। भाई क्या है यूनिवर्सिटी है, क्या है स्कूल है? भाई ये देखो पुराना जमाने का घर इधर भी दिख रहा है, बहुत पुराना। भाई जद्दा में मुझे लेक में लेके आ गया, देखिए बस यही है क्या वो? देखिए काम को किधर बैठना है, माशाल्लाह देखो वो देखिए मच्छी पकड़ रहे हैं लोग। वो देखिए बंदे अंदर जाके वीडियो नहा रहे हैं, मच्छी पकड़ रहे हैं लोग, मस्त जगह है यार। तो अस्सलाम वालेकुम। तो भाई मैं कभी सोचा नहीं था जद्दा में भी लेक हो सकता है। ये भाई हमें लेक में लेके आ गया, वो भी मच्छी पकड़ने के लिए। ये देखो पूरा सामान भी लेके आ गया। तो भाई अभी रेडी हो रहे हैं मच्छी पकड़ने के लिए। देखिए तो हम लोग सऊदी अरब में मच्छी पकड़ेंगे। अभी मैं कभी सोचा नहीं था यहाँ के जद्दा एरिया में ऐसा मच्छी पकड़ने के लिए जगह होगा, लेक होगा। यहाँ पानी भी बहुत तेज आ रहा है, देखते हैं अभी। कुछ लोग देख रहे हैं हम मच्छी पकड़ रहे हैं और नहा भी रहे हैं। ये भाई जद्दा में ऐसा जगह होगा मैं सोचा ही नहीं था। देखिए यहाँ पे मस्त लेक है,
और मछली, वो देखिए पिलीबनी लोग मछली भी पकड़ रहे हैं, वहाँ पे नहा रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं। तो जो भाई का सरप्राइज था ना, यही था मछली पकड़ने वाला। तो हमारा मौजम साहब देखे, उसको मछली पकड़ने आता होगा, देखा जाल लेके जा रहे हो। नहीं आता, नहीं आते। चलो अंदर चलते, तो अंदर चलते हम लोग और देखते। माशाल्लाह देखो मच्छी, देखो भाई ये पूरा फूल हो गया मच्छी से। रुक परे, ये देखो माशाल्लाह। कोई कोई नीचे गिर गई भाई, बहुत मच्छी है इधर, तो बहुत मच्छी दिख रहा है, पूरा बाल्टी फुल कर लिया वो। फ्राई वाला मच्छी है यार। सुबह ही आया भाई, हम लोगों को मस्त जगह में लेके आ गया। आज का सरप्राइज बहुत अच्छा था। देखिए बिल्कुल ये जंगल का एरिया है और इसी में लेक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मुझे थोड़ा जंगल का, जंगल से नहीं सांप से थोड़ा डर लगता है। कुछ नहीं है पानी में, कुछ नहीं है भाई, बोल रहे पानी में कुछ भी नहीं है। तो चलते हैं अंदर। देखिए हमारा भाईजान ये रेडी कर रहे चप्पल निकाल के चलो, और हमें जंगल से जाना है भाई। पहले जाओ, हम लोग चप्पल निकाल के चलो। देखिए कैसे रोड से जा रहे, रोड किया ये। ओ माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ भाई सोहेब भाई कपड़ा लाए नहीं, क्यों पहले पता नहीं था हम लोगों को कहाँ हम लोग जाने वाले। तो सोहेब भाई फिर भी आ रहे ऐसे ही, ये पानी पानी देख के सोहेब भाई रुका, रुक नहीं पा रहे। देखिए ऐसे आ रहे पैंट गीला करके, देखो माशाल्लाह। हमारा भाई देखो रेडी हो गया ऑलमोस्ट। इंशाल्लाह आज मैं भी ट्राई करूंगा मच्छी पकड़ने के लिए, ये जाल से मच्छी पकड़ने के लिए इंशाल्लाह ट्राई करूंगा। देखो माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह भाई को भी लग रहा है इतना खास नहीं आता है, हाँ ये भी नया बंदा लग रहा है अभी। आप एरिया देखो कितना मस्त है यार ये। देखिए आज पहला जाल मारा है और क्या आया देखते हैं हम लोग। उधर तो बाल्टी में बहुत सारा मच्छी लगा, मच्छी था। हाँ माशाल्लाह आया यार। माशाल्लाह दो मच्छी तो आया भाई, देखो ये देखो यार, दो नहीं बहुत सारा आया, एक दो तीन, दो तीन, ये देखो बाप। बाल्टी ला, आज आज हमारा पार्टी मच्छी से होने वाला है, खुद भी खाएंगे बहुतों को खिलाएंगे। आज आज मच्छी पार्टी होगा इंशाल्लाह। लेकिन पानी बहुत साफ है, देखिए ये देखिए पानी पूरा साफ है पानी, इसमें डरने की बात नहीं है। मैं तो कुछ देखने से पहले भाग जाऊंगा मुझे अगर डाउट हुआ कुछ कुछ आ रहा है बोल के, उससे पहले भाग जाऊंगा। हाँ काश कपड़ा लाते हम लोग यहाँ पे और नहाते। और देखिए वो हमारा फिलिपिनी भाई लोग, फिलिपिनी है इंडोनेशिया पता नहीं, देश सकल से तो फिलिपिनी लग रहे हैं वो भी लोग भी मछली पकड़ रहे हैं। चलते हैं उनके पास, पता नहीं ये जगह मुझसे कैसे बचा हुआ था, मैं कभी सोचा ही नहीं था यहाँ ऐसा लेक हो सकता है। देखिए जो उस तरफ है ना बहुत बड़ा लेक है और पानी इधर से आ रहा है। गुड मॉर्निंग, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। इंडोनेशिया तो भाई मैं फिलिपिनी बोला था लेकिन इंडोनेशियन लोग हैं ये लोग। ये देखिए ये कुछ आटे हैं, व्हाट इज दिस? हां दिस फूड फॉर फिश। हां दिस फूड फॉर फिश। देखिए ये मच्छी के लिए साथ आटे लग रहे, मुझे आटे फेंक रहे हैं और उसके बाद मच्छी पकड़ रहे हैं। ये देखिए ये बकेट में, देखिए माशाल्लाह बहुत सारे मच्छी पकड़ा हुआ है। ये देखिए और उधर भी बहुत भरा हुआ है। शायद ये लोग जा रहे हैं, ये लोग का हो गया फुल हो गया आज।